भारतीय पैरालंपिक्स का इतिहास लिखा जाता है तो इनका नाम सबसे ऊपर आएगा। 2004 में जब वो एथेंस ओलंपिक्स में गए थे तो देवेंद्र भाई के साथ उनके पिताजी एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए और उनसे कहा कि अगर तुम जीत के आओगे तो बदलाव आएगा और अगर नहीं जीतोगे तो कुछ नहीं होने वाला। देवेंद्र झझरिया का वो गोल्ड भारतीय पैरालंपिक्स का होल हिस्ट्री को बदल दिया है। उसके बाद दोबारा वर्ल्ड रिकॉर्ड करके रियो में गोल्ड, उसके बाद टोक्यो में तीसरा मेडल। देयर इज नो इंडियन पैरालंपियन हु इक्वल्स देवेंद्र झझरिया इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। सो टुडे इट्स ग्रेट प्लेजर टू हैव देवेंद्र भाई विद मी। देवेंद्र भाई, जब आप वापस देखते हो आज के दिन में पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मान लो या शूटिंग मान लो या टोक्यो मान लो, एक रेवोल्यूशन हो चुका है। 19 मेडल सब जगह भारत जीत रहा है और इसका इसका अगर मैं स्थापना देखूं तो वो 2004 में आपका गोल्ड। जब आप वापस देखते हो तो ये जर्नी को आप कैसे देखते हो? इसमें मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जब मैंने शुरुआत की थी 2002 के अंदर और पहला उस टाइम पैरा एशियन गेम ने उसको फैसिफिक गेम बोलते थे और उसमें मेडल से शुरुआत की थी। मैं कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम और आज भी मुझे याद है, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ था जो मैंने पहला मेडल लिया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि वहां बहुत संघर्ष था, फैसिलिटी गवर्नमेंट के नाम पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, आपको खुद को ही पैसे से जाना पड़ेगा, खुद को ही खेलना पड़ेगा, सब कुछ खुद को ही करना होगा। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मैं उस किसान फैमिली से आता हूँ जहाँ पे इनकम का सोर्स बहुत कम होता है, तो मैं सोच नहीं सकता था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता हूँ खुद के पैसे लगाकर। फिर भी कहीं ना कहीं हमने मैनेज किए पैसे और आज भी आज 2004 एथेंस पैरालंपिक्स थे उसमें मैं खुद के पैसे लगा करके गया। तो आपने बोला मेरे पिताजी ने ये शब्द बोले तो कहीं ना कहीं उनकी दिल से निकले हुए शब्द थे। ये खेल में रहा था लेकिन पैसे की व्यवस्था तो उन्होंने की और उन्होंने कैसे की, कितना मैनेज किया, कितनी परेशानी हुई, शायद बाप कभी बेटे को नहीं बताता। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली जब एयरपोर्ट पे छोड़े थे कि देवेंद्र यहां से मेडल जीत के आएगा तो सब कुछ बदलाव होगा और हार के आ जाएगा तो कुछ नहीं बदलेगा यहाँ। तो एक ऐसे व्यक्ति की वो आवाज थी जिन्होंने पैरा स्पोर्ट्स के लिए बहुत कुछ करने की सोची उन्होंने और उन्होंने अपने सपनों में बदलाव देखा और उन्होंने देखा कि ये मेडल ही बदलाव ला सकता है। तो जब 2004 में मैं गया तो मेरे पे इतना प्रेशर था उस टाइम कि यार मेडल जीतना बहुत जरूरी है, इस कंट्री को याद दिलाए कि पैरा स्पोर्ट्स कुछ होता है, इस देश को पता तो चलना चाहिए। और मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ, उसमें गोल्ड मेडल नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। देवेंद्र भाई यही सवाल था, आई मीन देखो तब आप उम्र में तब बहुत ही यंग थे, आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो तो ठीक है। आई मीन कोई आदमी सुपर टैलेंटेड होगा या उनमें वो जलवा होगा तभी वो कर सकते हैं। बट मेरे को जो सबसे आप में एक खासियत दिखता है वो 12 साल बाद आपने दोबारा रियो में कर लिया, उसके 5 साल बाद आपने दोबारा टोक्यो में कर दिया। ये जो लॉन्जेविटी होता है एक एथलीट का, मैं सचिन को देखता हूँ 24 साल, आपको देखता हूँ 20 साल, ये किसी में मैं नहीं देखता। अभिनव बिंद्रा को देखता हूँ, आपको देखता हूँ, तेंदुलकर को देखता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें ऐसा है कि मैं मेरी लाइफ में जेवलिन या खेल के अलावा ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ और मेरी लाइफ से यदि मेरे स्पोर्ट्स को हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बोरियत लाइफ मेरी होगी। तो कहने का मतलब ये मेरा, मैंने स्पोर्ट्स पे बहुत कॉन्सेंट्रेट किया और छोटी छोटी चीजों पे मैंने काम किया स्पोर्ट्स में, कैसे मैनेज करना है, इंजरी को कैसे मैनेज करना है, आपको हर दिन मोटिवेट होना है कि मैं अच्छा करूंगा। कई बार आपने जैसे बोला है विशेष तौर पे रियो 12 साल बाद में, 12 साल में बहुत चेंजिंग आते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये देखने लग जाता है कि 35 की उम्र में जा रहे हो आप, अब चैलेंज आपके सामने 12 साल बाद में इवेंट आ रहा है, तो मेरे ख्याल से उस फील्ड से आप दूर हो जाते हो। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ सिर्फ मेरे को जेवलिन दिखता था
और मैं सोचता था कि कहीं ना कहीं मेरे दिल की इच्छा थी कि एक बार मेरा पैरालंपिक में इवेंट और आना चाहिए। अंदर वो रह गया मेरे अंदर कि मैं एक बार और जीतूं। ये जो 16 में इवेंट आया मुझे 13 में पता चला, तो 13 से पहले मैं तैयारी तो हमेशा करता था, 13 में वर्ल्ड चैंपियन बना, 14 में एशियन गेम में मेडल लिया, 15 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता। लेकिन 16 वाले में कई बार कह रहे थे, जब 13 में मैंने शुरुआत की कि मैं पैरालंपिक की तैयारी कर रहा था, फ्रेंड कह रहे थे कि सच में पार्टिसिपेट करोगे क्या? तो एक मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, उसको मैंने बोला पार्टिसिपेट नहीं, मैं उसमें गोल्ड मेडल जीतूंगा आप देखना। तो उसे वो थोड़ा सा हंसने लग गया, मुस्कुराने लग गया कि शायद ओवर कॉन्फिडेंस है इनमें। एकदम जीत के आया तो उन्होंने कहा, मैं उस दिन ये मान रहा था कि आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं हो सकता। टोक्यो की बात करें तो टोक्यो 1 साल आगे जाना, और जो कोविड की सिचुएशन देखी उसको मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। मैं 4 महीने इस कैंपस के अंदर रहा था गांधीनगर गुजरात में, हमें कोई आवाज आ रही थी तो वो सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज आती थी, जो हमारे पास में एक सिविल हॉस्पिटल है, तो आपको वो आवाज डराती थी। हम सिर्फ 2 खिलाड़ी थे यहाँ पे कैंप में, और टोटल हम स्टाफ मिला करके कुक मिला करके हम 10 थे। तो 4 महीने में मैंने 10 व्यक्तियों की शक्ल देखी सिर्फ मेरी लाइफ में, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। इधर उधर से खबरें भी बुरी आती थी, कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन कहीं ना कहीं बस अपने आप को गेम के प्रति समर्पित रखा, फोकस रखा गेम पे, और कहीं ना कहीं टोक्यो में इसलिए मेरा बेस्ट मानता हूँ क्योंकि हो सकता है मैंने सिल्वर मेडल जीता हो, लेकिन मेरी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। मैंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था और श्रीलंका ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो मैंने 40 साल की उम्र में भी मैंने मेरी लाइफ बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी।